जो लोग तथागत बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, भगवान बुद्ध या भंगी बुद्ध या महाकारुणिक बुद्ध या जो भी नाम आप लेना चाहें, हजारों नाम हैं, अगर उसमें थोड़ा भी ध्यान लगाते हैं या थोड़ी भी जानकारी रखते हैं या थोड़ा भी समझ रखते हैं, तो वो एक बात ध्यान से देखेंगे, भगवान बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने कभी भी किसी सूत को, सूत उनको बोलते हैं जो बात वो बता रहे हैं उसको उस समय सूत बोला जाता था पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में उसको सूत्र कहने लगे। आधा त्रय पाली में नहीं होता, आधा तय और तय होता, त्रय नहीं होता। तो सूत जितने भी हैं उन सूत को कभी भी ना पाठ के लिए बोला, ना रटने के लिए बोला, ना स्मरण करने के लिए बोला, ना ही बार बार दोहराने के लिए बोला, ना ही उनका जाप करने के लिए बोला, ना ही उनको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने के लिए बोला, ना ही गाने के लिए बोला, ना ही सुनाने के लिए बोला। उन्होंने जितने भी सूत दिए उन सबको अभ्यास करने के लिए दिया, प्रैक्टिस करने के लिए दिया, साधना करने के लिए दिया, व्यवहार में लाने के लिए किया, अभ्यास के लिए दिया। ये एक बेसिक अंतर है और ये बहुत बड़ा अंतर है पूरे के पूरे बुद्ध में और बाकी जितने भी लोग जो इसको बताते हैं, जानकारी है। कहीं भी सिंगल लाइन पूरे साहित्य में बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आप इसका रट्टा मारो, इसको लर्न करो, इसको याद करो, इसको याद करने से कोई लाभ है, इसको बोलने से बार बार कोई लाभ है, इसको पढ़ने से कोई लाभ है, या इसको सुनने से भी कोई लाभ आपको है। अगर थोड़ा बहुत लाभ आज के समय हम कहें तो सुनने से, पढ़ने से, रटने से सिर्फ इतना हो सकता है कि आपको अभ्यास करने के लिए समझ आ जाए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो बात याद रहे, आपको व्यवहार में लाने के लिए वो बात समझ में आए, याद रहे, आपको किसी को बताने के लिए वो बात याद रहे कि इसको कैसे अभ्यास में लाते हैं, कैसे इसकी समाधि लगाते हैं, कैसे विपस्ना में जाते हैं, कैसे प्रैक्टिस में लाते हैं, कैसे इसको आचरण में लेके आते हैं, कैसे इसको मॉरलिटी में स्थापित करते हैं, सदाचार में लेके आते हैं। ये खास और बेसिक अंतर है। जैसे करणीय में सूत्र है, करणीय में सूत्र का मतलब है मैत्री के कर्तव्य के सूत्र हैं, यानी कि आपको ये बताया गया है कि कैसे मैत्री के कर्तव्य होते हैं, मैत्री कैसे की जाती है। कोई आदमी इसको रट्टा मारे, बार बार पढ़े, जोर जोर से पढ़ता रहे और इसको व्यवहार में ना लाए तो कोई भी मैत्री नहीं होने वाली है, मतलब मैत्री की जगह और दुश्मनी हो जाएगी, क्योंकि बार बार सामने वाले को आप परेशान करेंगे चिल्ला चिल्ला कर। ऐसे ही महामंगल सूत्र है या मंगल सूत्र है, तो मंगल सूत्र यानी जो गले में पड़ा हुआ तो उसको मंगल सूत्र बोलते हैं। अभी तो इसको गले में डालने लगे लोग, पहले इसको गले में नहीं डालते थे, इसका कोई माला बना के जपते नहीं थे। महामंगल सूत्र या मंगल सूत्र भगवान बुद्ध ने जो दिए हैं वो कैसे आपका कल्याण होगा, कैसे आपको व्यवहार में लाना है, जीवन में क्या क्या काम करना है, किन कामों से आपका कल्याण हो सकता है, आपका वेल हो सकता है, आपका फायदा हो सकता है, आपका लाभ हो सकता है, वो सारी बातें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, आपको व्यवहार में लानी पड़ेंगी, तो महामंगल सूत्र काम करेगा। उसकी सोने की माला या हीरे की माला या उसका धागा बना के आपने गले में पहन लिया और कहा कि ये मंगल सूत्र है, अब तेरा मंगल होगा, जिंदगी में नहीं होगा। जिन्होंने मंगल सूत्र पहने हैं वो भी औरतें विधवा हो जाती हैं, और कोई आदमी अगर मंगल सूत्र पहने तो उसके भी नुकसान हो सकता है, उसको फायदा भी हो सकता है। ये सब आपके कर्म और काम के ऊपर है कि आप कैसे व्यवहार से कैसा काम करते हैं। अगर आप देखें तो जो महामृत्युंजय सूत्र है यानी जो रतन सूत्र है, रतन सूत्र में खाली पढ़ के बात नहीं हो रही है, यानी कि भगवान बुद्ध आए या आनंद आए या बाद में और भिक्खु आए और उन्होंने रतन सूत्र गा दिया और रतन सूत्र की स्तुति कर दी और रतन सूत्र की वाह वाह कर दी और रतन सूत्र को बड़े सूर्य सर में गा के, सामूहिक गा के उन्होंने मान लिया, बात नहीं बनेगी। आपको अपने मन के अंदर वो पॉजिटिविटी, वो जो पूरी की पूरी ज्वाला है, अग्नि है, वो जलानी पड़ेगी, वो चेतना लानी पड़ेगी, जिससे कि आपको बीमारी से लड़ने की ताकत मिल जाए, तब रतन सूत्र काम करता है। तो जितने भी सूत्र हैं उनमें रटने का एक भी नहीं है, उनमें रट्टा मारने का एक भी नहीं है, स्मरण करने का एक भी नहीं है, बार बार याद करने का एक भी नहीं है, याद करने के लिए जेब में रखने का एक नहीं है, दीवार पर लिख के बार बार रटने का, दीवार पर लगा के रटने का एक भी नहीं है। उससे कोई लाभ नहीं होगा सिवाय इसके कि आपको वो याद हो जाएगा कि आपको जब तक ये करना है उसके लिए। इसलिए इस बेसिक अंतर को अच्छी तरह से समझें और समझकर इसको व्यवहार में उतारें। अगर आप धम्मिक हैं, धम्म को चाहते हैं, धम्म का पालन करना चाहते हैं, धम्म को मानते हैं या धम्म का लाभ लेना चाहते हैं या धम्म से फायदा उठाना चाहते हैं या धम्म से अपने परिवार को कल्याण करना चाहते हैं, तो इनको जानें और इनको व्यवहार में उतारें, इनका रट्टा ना मारें। धन्यवाद।
Sure.